कभी तमिलनाडु गए हो? तमिलनाडु, वहां कृष्णगिरी नाम का एक कस्बा है। कोई कृष्णगिरी गए हुए हैं? हैं हैं, नहीं है, ऐसे नहीं हैं। तो जो कृष्णगिरी गए हैं उनको बता दूं कि जगदम्बिका का मूल स्थान इस विश्व में वो कृष्णगिरी तीर्थ है, जहां मां पद्मावती निवास करती है और सबको आशीर्वाद देती है। इधर एक घटना हुई, उसी घटना को शुक्रवार व्रत कथा के रूप में ध्याया जाता है। वो क्या घटना है, वही कथा सुना रहा हूं। कहते हैं कि इसको सुनने के बाद मन में शांति होती है। आप में कोई बेचैन हो तो जरूर ये कथा सुन के 3 दिन में आपको बहुत शांति मिलेगी और आपके मन को सुकून मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, आपको मिलेगा और आप शांति से इसको जरूर सुनिएगा। आपके मन के सभी प्रकार के व्यथा, दुख, संकट, परेशानियां समाप्त हो जाएं, ऐसी ये दिव्य कथा है। मैं विशेष करके बड़े यूं विश्वास से क्यों बोल रहा हूं, मैं उस जगदम्बिका का उपासक होने से, साधक होने से, बेटा होने से किसी की बात मानेगी नहीं मानेगी, मेरी बात पद्मावती को मानना पड़ता है। जय जय गुरुदेव। तो ऐसी पद्मावती माँ का मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। आप वो कथा शांति से वहीं बैठ के सुने। कृष्णगिरी कौन कौन आए हैं? कृष्णगिरी इतने लोग आ गए, भाग्यशाली हो, भाग्यशाली सब आ गए और आगे जो आने की इच्छा रख रहे हैं वो भी भाग्यशालियां हैं। ओम नमो अनेकांत दुर्बार मत सद्वंशमानवे जिनाय सकलाभीष्टदायिनी कामधेनवे स्वस्ति श्री जिनराज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री बनिनायिके सुरनराराध्ये जगन्मंगले स्वस्ति श्री कनकाद्रिसन्निभ महासिंहासनालंकृते विद्यानामधिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्माम्बिके। जय जय जगदम्बे भक्तकुम्भे नितम्बे हर हर दुरितम्बे स्वस्तिमानाभिरामे नयनय जिनमार्गे दुष्टघोरोपसर्गे भव भव शरणं मे रक्ष मां देवि पद्मे। महामाई जगदम्बा पराशक्ति को प्रणाम करते हैं। ये कृष्णगिरी तमिलनाडु में कावेरी नदी जहां बहती है, ऐसे सुंदर स्थान में स्थापित स्थान है। इस जगह पर रुक्मावती नाम की एक गरीब कन्या रहती थी, स्त्री। उसके पिता बहुत पैसे वाले थे, उसका भाई बहुत बड़ा नगर सेठ था, उसका नाम ऋषभ दत्त। क्या नाम? भाई का नाम क्या? ऋषभ दत्त। पिता के मरने के बाद वो भी बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया। इसको भी अच्छी जगह शादी करके दी थी रुक्मावती की। लेकिन समय देखिए, सबका एक समान नहीं होता। इसको जहां शादी करके दिया, बहुत बड़ा पैसा वाला था, बाद में धीरे धीरे नुकसान होने लगा, अंत में खाने की भी नौबत आ गई। अब ऐसी नौबत आई कि खाने को लाले पड़ने लगे, 2 बच्चे हो गए ना, रुक्मावती गर्भिणी भी थी, रोटी के भी तकलीफ होने लगी। और देखो, पैसे वाले जब गरीब हो जाते हैं तो पहले तो बड़े जगह पर संबंध थे, बड़े लोगों से ऊट बैठ था, फिर अब उसको कोई इज्जत नहीं देता है तो उसको बहुत मन में ग्लानी होती है कि देखो ये लोग मुझसे मुंह फेरते हैं। एक दिन रुक्मावती को उसका पति कहने लगा, देखो रुक्मावती, एक बार तो हम बहुत करोड़पति थे, तुम्हारा भाई तो आज भी इधर नगर सेठ है, ऋषभ दत्त, बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन मैं आज बहुत गरीब हो गया हूं, गली में कोई जाऊं तो इज्जत नहीं देते, पहले मुझे देख के जो राम राम हाथ जोड़ते थे करते हुए राम राम, आज वही लोग मुंह फिरा के जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कहीं विदेश जाके 2 रुपया कमा के लाऊं ताकि मेरी भी इज्जत बनी रहे। बिन पैसा किसी का इज्जत नहीं है रुक्मावती, पैसा है तो सब पूछते हैं, बिन पैसा कोई इज्जत नहीं है। मैं भी 2 रुपया कमा के आऊंगा तो सब लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। गर्भिणी थी रुक्मावती, अपने पेट पर हाथ लगा के देखती है, कहती है कि ये भी चले जाएंगे तो इन बच्चों के कौन सहारे रहेगा,
ये भी चले जाएंगे तो इन बच्चों का ध्यान कौन देगा, मैं तो कुछ नहीं जानती, बड़े सेठ की बेटी थी तो कहीं जाके बर्तन घिस के कपड़ा धो के भी 2 रुपया कमा सकूं, ऐसे अभ्यास भी नहीं है मेरे में। और ये भी चले जाएंगे तो मेरे जीवन में मेरे रोटी के क्या होंगे, ना आगे होने वाले बच्चे को कौन संभालेगा, ये छोटे छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। आप मत जाइए स्वामी, आप मत जाइए, जो मिलेगा जैसे मिलेगा खाएंगे, जो सम्मान अपमान हो रहा सहेंगे, लेकिन आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकती। नहीं रुक्मावती, अब रहना मुश्किल है। पहले एक जमाने में मैं गली में जाता था तो जो धनी राम सेठ बोल के नमस्कार करते हैं, ए धन्ना क्या है रे, ऐसे आज मुझे रेकारा बोल के बुलाते हैं, आ रे जा रे बोलते हैं, बड़ा मन में शूल छुपता है मुझे, बड़ा शर्म आता है। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता, मुझे 2 वर्ष का तू समय दे, 2 वर्ष में मैं कमा के कैसे भी भरपूर आ जाऊंगा, इस गांव में अब कमाने भी मेरे पास कुछ नहीं रहा, विदेश जाऊंगा कहीं कुछ करूंगा, कुछ न कुछ जुगाड़ करके मैं 2 रुपया कमा के लाऊंगा, तू भी खुश रहेगी मैं भी खुश रहूंगा, 2 साल की बात है, बाद में हम जिंदगी भर खुश रहेंगे, मुझे जाने दे। पत्नी के मना करते करते ऋषभ दत्त निकल गया और निकल के चले गया, अकेली हो गई रुक्मावती, बड़ी दुखी हो रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे, 1 3 साल का, 1 2 साल का, 1 पेट का बच्चा, अब इन बच्चों को संभाले कैसे। धीरे धीरे दिन निकलने लगे, सोचती है कि चलो 2 साल कैसे भी गुजार लूंगी, मेरे पति को आने दो जब तक कैसे भी गुजारूंगी। अब वो कुछ रख के तो गया था नहीं, घर में जो पीतल के बर्तन थे, छोटे मोटे नतनी वगैरह थे वो भी बेचे, फिर वो कपड़े भी खत्म हो गए जो भारी वाले थे वो भी दे दिए किसी को, फिर फटे कपड़े घर भी खाली हुआ, झोपड़े में रहना पड़ा, फूटा टूटा मकान हो गया। अब रोटी बनाए तो लकड़ियों के लिए कहां जाए, रोटी बनाए तो घी के लिए कहां जाए चुपड़ने के लिए, इसलिए पटोलिया बना बना के पीती है कि भाई बच्चों को भी पिलाती है, ये पी लो बेटा। अब कितने दिन ये एक व्यक्ति पटोलिया पिए, कैसे जिए। इसी गांव में इसका भाई नगर सेठ, बहुत बड़ा पैसा वाला, इतना पैसा, बैठे भी बड़े मखमल की गद्दी में, उठे तो मखमल में, चले तो फूलों के पत में चले, ऐसे उसकी राज वैभव विलास। एक दिन ऋषभ दत्त की पत्नी उसको कहती है, सुनो जी अपने पास बहुत पैसा है, थोड़ा ट्यूनिंग बदलाओ भाई, इंदिरा गांधी मरी हुई ट्यूनिंग है, थोड़ा बदलाओ इसको। हाँ, ऋषभ दत्त की पत्नी कहती है, सुनो जी अपने पास बहुत पैसा है लेकिन दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा, कुछ ऐसा करो कि दुनिया को मालूम पड़े कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो ऋषभ दत्त कहता है, फिर तो ठीक है, कुछ कुआं बना दे, सब लोग पानी पिएंगे, अपना नाम होगा, अरे उससे तो लोगों का कल्याण होगा, लोग भूल भी जाएंगे 20 साल बाद के हमने कुआं बनाया, लोगों का फायदा होगा। लोगों का फायदा मत सोचिए, अपना फायदा सोचिए। आज भी देखो संसार में, मंदिर में एक ट्यूबलाइट भेंट करता है 200 रुपए का, तो इतना बड़ा ट्यूबलाइट में पेंट से नाम लिख देता है कि ट्यूबलाइट का उजाला ही बाहर आना मुश्किल है, इसका नाम ही बाहर आता है, बाहर आता है। मंदिर में घंटी लगाए हैं, विंध्याचल वगैरह में जाता रहता हूं, वहां मेरा आश्रम है, मैं जाता हूं तो देखता हूं मंदिरों में घंटी लगी है, मंदिर के घंटी से भी ज्यादा तो इनका नाम बड़ा खुदा हुआ होता है। आपको बताऊं कि दान करते समय उस दान को दिखाने की कोशिश करोगे तो दान का फल पूरा ये दिखावे से नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखो। दान करते समय गुप्त करना चाहिए, दान को दिखा के नहीं करना, जो दान किया वो गुप्त करोगे तो दान का प्रभाव 100 गुना बन के घर में आएगा। आजकल तो हमको भी चिल्लाना पड़ रहा है, महादेव का मंदिर बन रहा है, कोई 25,000 देगा तो पत्रिका में नाम आएगा, 2.5 लाख देगा तो प्रतिमा के ऊपर नाम आएगा, क्या करना पड़े। कोई ऐसा नहीं मिला जो गुपचुप ला के, भाई महाराज जी आप मंदिर बना रहे हो बहुत अच्छा काम है, मंदिर कई लोग ऐसे बोलते कि हॉस्पिटल बना दो महाराज, स्कूल बना दो, इसकी जरूरत है, बहुत मंदिर पड़े हैं।
अरे भाई तेरे पास भी बहुत सुविधा पड़ी है, फिर भी कार गाड़ी के पीछे क्यों फिर रहा है, बंगला गाड़ी के पीछे क्यों फिर रहा है। हॉस्पिटल और स्कूल संसार के रोग मिटाएंगे तो मंदिर आत्मा का रोग मिटाएगा, उसकी भी जरूरत है। जय जय गुरुदेव। आत्म रोग मिटाने वाले मंदिर की भी जरूरत है महाराज, इसलिए उज्जैन में हम महाकाल का मंदिर बना रहे हैं। वहां महाकाल मंदिर के पास में भगवान रत्नेश्वर महादेव का मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि मंदिर आपके जन्म जन्मों के रोगों को नष्ट कर देगा, उसमें वो ताकत है। तो महाराज रुक्मावती का भाई ऋषभदत्त अपनी पत्नी को कहता है, फिर तो मैं कुछ धर्मशाला बना दूं। धर्मशाला, उसमें लोग रहेंगे, उसको संभालना पड़ेगा, उधर आदमी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ मत करो, एक बार में काम हो जाए और अपना नाम हो जाए ऐसे करो। तो ऋषभदत्त कहता है, फिर तो अपन ये काम करते हैं, 3 दिन तक पूरे गांव को भोजन कराते हैं, अगर 3 दिन तक दुनिया भोजन करेगी और हम सब के लिए हजारों चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, चांदी के पाट रख के खिलाएंगे तो अपना वैभव देख के दुनिया भी दंग रह जाएगी, और थाली कटोरी पाट तो अपने घर में ही रहेगी, दुनिया में नाम भी हो जाएगा, सिर्फ खाने का ही खर्चा होगा और पूरे विश्व में अपना वाहवा हो जाएगा। पत्नी को भी लगा बात तो बहुत बढ़िया है, यही काम होना चाहिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा प्रभु, आप यही काम करिए, 3 दिन का भोजन करवाइए, सब लोगों को आने दीजिए, सब खाएंगे देखेंगे अपना वैभव अपना सब, तो बिल्कुल सब अपनी तारीफ करेंगे। पैसा होने से कुछ नहीं है स्वामी, पैसे का दुनिया में प्रभाव होना चाहिए तभी मजा है, नहीं तो पैसा रख के क्या प्रभु, महत्व क्या है, महिमा क्या है। बिल्कुल तू ठीक कह रही है सुशीला, ऐसे ही करेंगे, 3 दिन का भोजन रखेंगे। सुनो सुनो नगरवासियों, सब सुनो, अगले गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन के लिए कृष्णगिरी नगर में नगर सेठ ऋषभदत्त की तरफ से संपूर्ण नगरवासियों के लिए सुंदर सुरुचि भोजन की व्यवस्था की गई है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, बीच बीच में चाय पानी भी वहीं होने वाली है, नगरवासी सब वहीं आके भोजन करें, जो चल नहीं सकते हैं असक्त हैं उनके लिए टिफिन ले जाने की व्यवस्था भी की गई है वो ले आए, और कोई अतिथि आपके घर में आए हो सब अतिथि को भी ले आए, किसी के घर में चूल्हा नहीं जले और सब यहीं भोजन करें, ऐसे ऋषभदत्त सेठ ने आप सबको निवेदन किया है। कौन से वार का भोजन है बताओ, बोलो बोलो, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का भोजन का व्यवस्था किया है। अब भोजन की व्यवस्था रख दी, तुरंत ऋषभदत्त काम में लग गया, ऐसा भोजन हो दुनिया उंगली चाट जाए। अरे मुनीम जी को बुलाओ, जी साहब, जी हुजूर, मुनीम जी जहां जहां से जो जो रसोई में विभिन्न निपुण लोगों को उन उन राज्यों से बुलाओ, ब्यावर से फीनी बनाने वाले को बुलाओ, जोधपुर से कचौरी वाले को बुलाओ, ब्यावर से तिलपट्टी वाले को बुलाओ, पाली से पापड़ बनाने वाले को बुलाओ, तमिलनाडु से चेन्नई से इडली सांभर वाले को बुलाइए, मद्दूर से मद्दूर बड़ा को बुलाइए, केरल से आपम बनाने वाले को बुलाइए, पानी पूरी बेलपूरी बनाने वाले को बुलाइए, राजस्थान से, पंजाब से पंजाबी नान कुलचा बनाने वालों को बुलाइए, वो रसैया उसी जगह से आना चाहिए, काशी से रबड़ी दूध बनाने वाले को बुलाइए गरम गरम, सब जगह के विशेष लोग आना चाहिए, सुनार को बुलाइए, 1 लाख चांदी का थाल बनाइए और 4 लाख चांदी की कटोरियां बनाइए, 1 लाख चांदी के पाट बनाइए, सब चांदी के पाट पर बैठ के खाएंगे मेरे नगरवासी,
चार दिन में सब तैयारी हो जाना चाहिए। रास्ते भर में गुलाब का जल छिंटवा के मट्टी को ठंडा करिए, सब जगह गुलाब की सुगंध आनी चाहिए, सब जगह गुलाब के फूल बिछाइए और केले का झाड़ लगाइए, आम के पत्तों का तोरण लगाइए, जगह जगह बैंड बाजे वाले को खड़ाइए, नासिक का ढोल होना चाहिए, केरला का चंड मेलम होना चाहिए, कर्नाटक के मोलम होना चाहिए, तमिलनाडु का नादस्वरम होना चाहिए, पंजाबी ढोल होना चाहिए। मेरे पैसों का वैभव को देख के ये कृष्णगिरी नगर का राजा भी आश्चर्य पड़ जाना चाहिए, ऐसा वैभव होना चाहिए। चारों तरफ तैयारियां चालू हो गई, बड़े बड़े बर्तनों में रसोई बनना शुरू हो गए। तीन दिन बाद भोजन चलना है, अभी से मिठाइयां बनना शुरू हो गई। कई मावा दूध में रड़ रहा है, तो कई चाशनी बन रही है, तो कई पहाड़ जितनी इलायची कूट रहे हैं, एक 20 जन मिलके इलायची कूट रहे हैं। एक कितनी इलायची लाई? 2000 किलो हुजूर। अरे 2000 किलो इलायची से क्या होगा, 5000 किलो इलायची लाओ और जलेबी में, इमरती में, सब जगह इलायची डालो, सुगंधी सुगंध होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पहाड़ जैसे जगह जगह ढेर लगी है, बूंदी की ढेर लगी है, इमरती की ढेर लगी है, पेड़ों की ढेर ढेर बन के खड़ी है सब जगह। अब सब जगह डंडोरा पीट रहा है, एक जगह डंडोरा पीटना नहीं, पहले ही ऋषभ दत्त की पत्नी ने सावधान कर दिया था डंडोरा वालों को, और ऋषभ दत्त भी बोल के भेजा कि इस घर के सामने डंडोरा मत पीटना। वो कौन सा घर महाराज बताइए, कौन सा घर, कौन सा घर? पैसों खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे, पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, पैसों प्यारो रे, पैसों प्यारो रे, दुनिया में लाके मोहन गारो रे, पैसों प्यारो रे। एकदम पैसा वाला सेठ है, दारूडिया है, खूब दारू पिया है, रात में 12 बजे घर आ रहा है, कॉलिंग बेल बजाता है, टिंग, धीरे से दरवाजा खुलता है, पत्नी खोलती है दरवाजा, जल्दी आया करिए, लेट मत करिए, आपके कारण मैं भी भूखी रहती हूँ, मालूम है कि गुटखा खाके सट्टा खेल के दारू पी के लुच्चा आया है, फिर भी पैसा वाला सेठ है। पत्नी हाथ पकड़ के धीरे से सोफे पर बैठा के उसको भी एक एक कौवा खिला रही है, और उसके ही पास में एक झोपड़ा है जहाँ उसका पति गरीब है, सुबह बोल के गया था कि नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, आ जाऊंगा, काफी ढूंढना पड़ेगा शाम तक, क्योंकि बहुत दिन से नौकरी नहीं मिल रही, इधर कहीं नौकरी नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा मेहनत करके सुबह से गया नौकरी ढूंढने, और नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, नौकरी मिला भी नहीं, रात में आया 8 बजे, कितने बजे, और पहले वाला सेठ कितने बजे आया, 12 बजे, दरवाजा कैसे खुला, इस झोपड़े में क्या दरवाजा नहीं होगा, खड्डा होगा, इधर भी दरवाजा है, ये दरवाजा भी खुला 8 बजे, दम, बुद्धि नहीं है आदमी होकर के जानवर की तरह घूमते हो, मेरे बाप के घर में मैं कितनी खुश थी, तुमको बुद्धि नहीं है ऐसे मेरे को लाके दुखी कर रहे हो, पैसा कमाने का ठिकाना नहीं हुआ और बिना काम के फिर रहे हो, इतना क्यों सुनना पड़ा महाराज, इतना क्यों सुनना पड़ा, पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, के पैसों प्यारो रे। ऋषभ दत्त ने पहले ही कह दिया था कि ये मेरी बहन बड़ी दरिद्र है, इसके घर के सामने जाके ढंडोरा मत पीटना, कहीं ये आ जाएगी तो फटे कपड़े पहन के आएगी और लोग बोलेंगे कि देखो ये सेठ इतना बड़ा वैभव दिखा रहा है, इसकी सगी बहन तो ऐसी दरिद्र की तरह घूम रही है, इज्जत जाएगा हमारा, इसको बुलाना मत। किसको नहीं बुलाना, बहन को। आप में भी कितनी बहनें बैठी हो, मुझे पता है, जिनकी राखी का रिश्ता टूट चुका है और पियर जाती नहीं हो के नहीं,
हाँ है ना ऐसे, क्योंकि पत्नी को पता है कि मेरा भाई कितना भी बड़ा हो कितना भी श्रेष्ठ हो, जहां मैं शादी करके गई हूं मेरे लिए स्वर्ग अब वहां है। वो समझदार हो गई है। और ये संसार के रिवाज की बात करके मतलब नहीं, धीरे धीरे दिन दो दिन बीतते गए। गुरुवार आ गया, प्रथम दिन भोजन का, और भोजन का प्रथम दिन एकदम तैयारियां जोर शोरों से है, बैंड बज रहे हैं। का सुबह की वेला, गरम गरम इडली पर घी डाली जा रही है थालियों में, सब नई नई चांदी की थाल, और नीचे जो पाट लगे हैं वो भी चांदी के, कटोरी भी चांदी की, स्पून भी चांदी की, और आप लोगों ने कटोरी में आज तक चटनी सांबार लिया होगा कि नहीं। इधर ऋषभ दत्त के घर में सबको पहले कटोरी में घी भरा जा रहा है कि भाई इडली में लेना, डोसा में लेना, नाश्ता में लेना, हलवे में पहले ही घी लपक के नीचे उतर रहा है, उस पर आधा कटोरी घी ऊपर से काम वाले डाल रहे हैं जो सर्विंग के लिए बैठे हैं। कैसे भी इस कार्यक्रम से मेरा नाम हो जाना चाहिए, किसको चिंता लगी है? ऋषभ दत्त सेठ को चिंता लगी है कि ये कार्यक्रम करूं दुनिया में नाम हो जाए कि पैसा वाला सेठ हो तो ऐसा सेठ हो जिस सेठ के घर में चटनी के जगह में कटोरी में घी भरी जाती है। सेठ साहब के घर में नाश्ता शुरू हुआ, लोग बैठ के खावे, जो आज तक मुंह से खाता था आज उंगलियां खा रहा। क्या क्या स्वाद, बड़े स्वाद से सब खाए। बच्चे रुक्मावती के माँ के पास गए, माँ मामा के घर में भोजन हो रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता में केसर दूध और जलेबी खा के पड़ोसी रामू आके बोल रहा था कि चाशनी उसके दोनों तरफ मुंह से नीचे उतर रही है। माँ बोल रहा था ऐसे करता है, माँ ये जलेबी कब खिलाएगी, जिंदगी भर क्या पटोलिया पिलाएगी, चलो ना मामा के घर जाए। नहीं बेटा, जहां बुलावा नहीं आया वहां कभी नहीं जाना चाहिए। अपने मामा है माँ, अपने मामा के घर जाने में क्या तकलीफ है? अपने मामा हो तो क्या ना, अपना घर हो तो क्या भाई, जब बिन बुलावे किसी घर में नहीं जाना चाहिए तो वो मामा का घर भी हो नहीं जाना चाहिए। माँ अपने मामा है, उन्होंने सोचा होगा कि अपनी बहन को क्या बुलाना, वो तो घर की है इसलिए नहीं बुलाया होगा, चलो ना। सुबह का नाश्ता तो पूरा हो गया है, अब तो भोजन भी शुरू हो गया है। लोग भोजन में बैठे हैं जो कह रहे हैं कि मालपुआ बना है और मालपुए पर रबड़ी लगी है। ये मालपुआ क्या होता है माँ? तू तो पटोलिया के सिवाय कुछ नहीं दिखाती आंख में, ये गली में वो मिठाई के दुकान वाले के दुकान में ये गोल गोल चीजें रहती है, वो मालपुआ है क्या? कभी तो तूने नहीं खिलाया, अब मामा के घर में हो रहा है तू खिला दे, तेरे को क्या तकलीफ, पैसे भी नहीं लगेंगे, पेट भी भर जाएगा, चलो ना माँ। रुक्मावती ने सोचा देखो सगा भाई होकर के नहीं बुलाया, एक ही कारण से नहीं बुलाया के बुलाने से उसका अपमान होगा कि दरिद्र बहन है। कोई बात नहीं, हम ये कोने में बैठ के खा के आ जाएंगे, इसमें उसको क्या तकलीफ, धीरे से चले जाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा भाई ने नहीं बुलाया तो क्या, मेरे बच्चे का तो पेट भर जाएगा, दो बच्चे नहीं तीन हो गए, पति के गए कई वर्ष हो गए, अब हम ये बच्चे को खिला देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये बच्चे खा तो लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी तो क्या, ये दिन में सपने देख रहे हैं ये बच्चे, कभी इनको मैं अच्छी रोटी नहीं खिला सकी, एक सब्जी नहीं खिला सकी, सदा भूखे रहते हैं, एक दिन में आधा पेट पटोलिया पीते हैं, बेचारे पूरी हड्डियां गल के चूर चूर हो रही है इनकी, और कंकाल की तरह दिखते हैं, इन बच्चों को तीन दिन अच्छा भोजन मिल जाए इसमें तकलीफ क्या है।
रुक्मावती ने सोचा जा एक कोने में बैठ के खा लेंगे बच्चे, मैं जाके आ जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी लेकिन बच्चे तृप्त हो जाएंगे। जहां जाए रस्ते में लाइटें ऐसे झालर लगे हुए, पूरे रस्ते भर लाइटें और तार लगा के रस्ते भर ऐसे झूमर लगाए हुए हैं, झूमर से दिए जल रहे हैं, चारों तरफ उत्साह का वातावरण, पूरे गांव में तारीफ की आवाज आ रही है। हर आदमी जो गली में दूसरे से मिलता है, क्या भाई खा लिया, अरे वाह आज जिंदगी खुल गई भाई हमारी, ये ऋषभ दत्त सेठ ने क्या खाना बनवाया। सुना के भाई कश्मीर से आए हैं रबड़ी बनाने वाले, हम तो कश्मीर कश्मीर करते रह गए, ये कश्मीर से आदमी बुला दिए कि कैसा कैसा खाना बनवाया, कैसे कैसी चीजें, क्या आइटम, वाह वाह वाह, ऐसे एक दूसरे तारीफ करे। रुक्मावती और बच्चे गए अंदर घुसे, देखे 56 भोग लगा हुआ है। कितने भोग? 56 भोग है, मीठो है नमकीन है बाबा बाबा, चर परो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसूं डाल चांदी को पाटू पाटू, अरे ऋषभ दत्त मनवार करे देखो, देखूं थे कहीं आना टो, आओ खाओ भोग लगाओ, आखो कृष्णगिरी नगर में बांटो, आवो आवो नगर वासी आवो, जीमो जी भोग लगाबो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, आवो आवो जीमो जी भोग लगाबो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी। रुक्मावती ने तो संकल्प कर लिया कि मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन नजर डाल रही है कि कितनी चीजें मेरे भाई ने बनाई। केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी पेड़ा इमारती बालू साहे, केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी पेड़ा इमारती बालू साहे, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती बाग रस मलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा, गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा, ये मर न्यारा न्यारा, जीमो आवो घी और डलाबो, जीमो जी भोग लगाबो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी। अब रुक्मावती देखती है इतनी मिठाई के पास में नमकीनों का पूरा यूं लाइन लगा हुआ है थालियों में, क्या लाइन, क्या दाल मोट पकौड़ी का छोर दूजिया पापड़ चिवड़ा, दाल मोट पकौड़ी का छोर दूजिया पापड़ चिवड़ा, बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को मैया खींचो, रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को पीलो मार सबको, रायता इतना पिलाया लोगों को ऋषभ दत्त ने, सबके रे के गला खराब गला खराब, तुरंत ऋषभ दत्त कह रहा है ए साग का चुरीरी चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगाबो, है 56 भोग तैयार जी, हरा डाबरिया करे मनोहार जी, हरा डाबरिया करे मनोहार जी।
अमृत अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संत राम चंबी रस धार दरिया आम अमरुद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संत राम चंबी रस धार दरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा। ऋषभ दत्त सुनते सुनते आ रहा है, सुन रहा है कि कोई कह रहा है कि लाल मतीरा खा के मुंह फीका हो गया। तुरंत ऋषभ दत्त अपने सेवकों को आदेश दे रहा है, नींबू खाटो है थोड़ो छण काबो जीमो जी भोग लगाबो है छप्पन भोग तैयार दी धारा का बरिया करे मनोहार जी अच्छा महाराज ये छप्पन भोग के समय हाथ उठा के ताली बजाने से क्या फायदा, इसके क्या माँ का भजन है, ये माँ का भजन नहीं है लेकिन अन्नपूर्णा का भजन है। अच्छे से करोगे तो तुम्हारे घर में भी सदा छप्पन भोग बना रहेगा, घर पूरे छप्पन भोग से बना रहेगा। आम अमरुद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संत राम चंबी रस धार दरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा कर दो मा कर जिया बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपुरा ने छुआरा ले वो जिम छूट ने अचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सोप इलायची हाजिर कर दी सोप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री रंगी। एक आदमी गिन रहा कह रहा पचपन भोग तो हो गए छप्पनवा कहाँ ऋषभ दत्त जी। ऋषभ दत्त तुरंत सेवकों को आदेश दे रहा, तोड़ो नागरियो पान चबाओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी ऋषभ दत्त करे मनोहार जी ऋषभ दत्त करे मनोहार जी। अब कितने भोग बोलो कितने भोग छप्पन क्या क्या केसरी अबर पिकला कंद्र अपने पेटा इमरती बालू चाय लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा केवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साब जांगरी को बाजरी को की चढ़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मारस पड़को आंबू अमरूद अंगूर अनानास फनस ने नार दिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दलिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर गिरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी कोपरा ने चुहारे लो जीम छूट ने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी थोड़ो नागरियो पान चबावो जीमो जी भोग लगाओ लगाओ कितने भो। अब सब खा रहे हैं, रुक्मावती कोने में बैठी ऐसी जगह जहां भाई का नजर न पड़े, उसको मालूम है कि भाई आएगा जरूर आएगा क्योंकि वो तो प्रदर्शन के लिए ही दर्शन करा रहा है भोजन का। ध्यान रखना दर्शन और प्रदर्शन में बहुत फर्क है, दर्शन आत्मा के दरवाजे को खोलाता है, प्रदर्शन अहंकार के दरवाजे को खोलता है। और इधर आके ऐसे ही खड़ा हुआ ऋषभ दत्त सबके सामने आ रहा है, उसको तो प्रदर्शन करना है कि दर्शन कराना है, प्रदर्शन तो बड़े बड़ी अंगूठियां पहनी हुई है हाथ में, इतना बड़ा पुखराज इधर बीच की उंगली में उतनी बड़ी नीलम, इस उंगली में अंगूठी की उंगली में इतना ही बड़ा हीरा और छोटी उंगली में उतना ही बड़ा पन्ना, इतना बड़ा उंगली से चार गुना बड़ा बड़ा, और सब पहन लिया। सोचता है कि वो तो नीचे मुंह करके खा रहा है और मैं ऊपर से प्रणाम करूंगा ये मुझे देख ही नहीं पाएगा,
इसलिए खाने वाले के मुंह तक हाथ ले जाके राम राम सेठ जी भोजन बराबर है सब ठीक है राम 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 कैसे कर रहा है कैसे राम राम करता है बताओ। आप गली में जाके ऐसे मत कर लेना फिर कोई बोलेंगे कि महाराज जी आके इनको उल्टा राम राम सिखाए। मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो यही सिखाऊंगा कि आप ऐसे करो राम राम। लेकिन इधर ऋषभ दत्त कर रहे हैं कि भाई सबको मेरी अंगूठियां दिखे, वो तो नीचे मुंह करके खा रहे हैं, उनको अंगूठी दिखेगा कैसे। उनके मुंह तक हाथ ले गया नीचे करके, राम राम भाई भोजन ठीक है सब बढ़िया है कोई कमी तो नहीं है, राम 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 राम। बहुत खुश हो रहा है कि मेरी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, मैंने जिस इच्छा से जिस उद्देश्य से ये भोजन का पंक्ति लगवाया देखो दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, हर जगह मेरी प्रशंसा हो रही है, वाह वाह हो रही है। इतने में नजर कहां पहुंच गया, किस पर पहुंच गया, बहन को देखते ही आंख लाल हो गई। अरे चुड़ैल ये यहां कहां आ गई मेरे बदनामी करने। उसको देखते ही गुस्सा आया, उसके पास खड़ा रहा, देखो तो तीन भांजे बैठ करके भोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, एक 5 साल का बच्चा बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कई वर्ष हो गए रुक्मावती के पति के गए, आज तक आने का ठिकाना नहीं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे लपक लपक के खा रहे हैं। वह ऋषभ दत्त को एकदम गुस्सा आया कि ये मेरे घर में फटे कपड़े पहन के आई, जरूर लोगों को मालूम तो पड़ा होगा कि ये मेरी बहन है, लोग क्या कहेंगे कि करोड़ों रुपया खर्च करके भोजन की व्यवस्था करता है लेकिन अपनी बहन को पाल नहीं पाया, मेरा अपमान होगा इसके कारण, मुझे इसको पटकारना चाहिए। एकदम ऋषभ दत्त के आंख लाल हो गए, अरे नालायकिन तू यहाँ कहाँ आ गई, मैंने पहले ही डंडोरे वालों को कह दिया था कि तेरे घर के सामने डंडोरा ना पीटे ताकि तू ना आए, लेकिन तू यहाँ पहुंच गई बिन बुलाए, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, निकल यहाँ से, निकल जा, निकल आगे से, यहाँ नहीं आना, आगे से आई तो खैर नहीं रहेगा, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तेरी हड्डी तोड़ के ठिकाने लगा दूंगा, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। भाई का फटकार सुनते ही आंख में पानी आते हुए फट अपने बच्चों को खड़ा करके ऐसे ही बाहर निकल गई रुक्मावती। अंदर में वेग ऐसा उमड़ रहा है, मन में दुविधा ऐसी आ रही है कि क्या सक्का भाई भी पैसा नहीं हो तो मेरा नहीं हो सकता, सक्का भाई भी मेरा नहीं हो सकता, पैसा नहीं हो तो दुनिया ने तो तिरस्कार कर दिया, पति भी बाहर चले गया, कपड़े भी गए, गहने भी गए, घर भी गया, फटे झोपड़े में रहती हूँ, क्या सग्गा भाई भी जिसके पैसे नहीं होते उसको एक टाइम की रोटी के लिए बैठा नहीं सकता। आंख में आंसू आने लगे, बार बच्चों को लेके सीधे झोपड़ी में गई, बैठ के दिल खोल के रोई, खूब रोई, हे माँ खूब रोई, दिल खोल के रोई। बच्चे तो बच्चे हैं अपनी बातों में लगे हैं, सबसे बड़ा कहता है देखा मैंने कहा ना सोन पापड़ी अपने बाल जैसे निकलता है, ऐसे सोन पापड़ी को तोड़ो बाल बाल निकलता, कितने दिन बोला तू सुना नहीं, आज देखा ना एक एक बाल निकलता है, उसको सोन पापड़ी कहते, कितना मजा आया ना खाने से। बीच वाला कहता क्या सोन पापड़ी की बात करते हो, देखा मक्खन पेड़ा, मक्खन मक्खन बोलते हैं, मक्खन पेड़ा मुंह में डाला कैसे मीठा लगा, कैसा आनंद आया, हा मजा आया, छोटा बच्चा सबसे छोटा है वो कहता भैया क्या मक्खन पेड़ा सोन पापड़ी की बात करते हो, वो खीर पीते हैं तो ऐसे अंदर जाता है जैसे खलखल खलखल खल आवाज आता है भैया, ऐसा आनंद आता है खीर पीने में, अपन कल जाएंगे ना। अरे चुप रे, देखा ना मामा को कैसे उग्र हो करके डांटा अपनी माँ को, वो आने नहीं देगा कल, अपने को कहीं नहीं जाना। छोटा भाई कहता है सबसे छोटा फिर क्या, अब आज ही भोजन खत्म हो गया अपना, लोग तो और 2 दिन खाएंगे भरपेट खाएंगे, अपने लिए नहीं मिलेगा, मैं तो जाऊंगा हर हालत में, भले ही माँ जाए ना जाए, पटोलिया पिला पिला के हमको पागल बना रही है, मैं तो जाके ही रहूंगा और पी के ही रहूंगा, खा के ही रहूंगा, ऐसा मौका कब मिलेगा, सबको मुफ्त में मिल रहा है मामा जी के घर में खाना, गरीब भी जा रहा है, पराया भी जा रहा है, बाहर गांव का भी जा रहा है, अतिथि भी जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ऐसे बातें करें इसमें रुक्मावती रोती रोती वहां बैठी है, उसके पास तीनों बच्चे गए, माँ क्यों रो रही है,
अरे भाई होकर के कितना अपमान किया देखा ना तुम लोगों ने, सगा भाई होके ऐसा अपमान करता है। अब कभी उधर पैर नहीं रखूंगी। पैर नहीं रखोगी माँ, और दो दिन का भोजन बाकी है, तुम पैर नहीं रखोगी तो वो दो दिन का भोजन रह जाएगा। अरे क्या भोजन भोजन करते हो, इज्जत से बड़ा भोजन होता है, इज्जत निकल गया हमारा उधर। उसने कहा कि कल आओगे तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, और तुम बोलते हो कि कल वहां जाना, मर के भी नहीं जाऊंगे। क्या माँ मरना मरना ऐसे धमकाती हो, कभी भी देखो पटोलिया पिलाती हो और ऊपर से धमकाती हो। अगर तुम कल हमारे साथ नहीं चली तो गांव के कुएं में जिधर से पानी भर के लाते हैं हम लोग जाके, उधर हम तीनों कूद के मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अगर तुम नहीं खिलाई नहीं ले गई, तू मर जाऊं रोज हमको धमकाती है, हम सच में मर के दिखा देंगे। सुनते ही रुक्मावती को धक्किया, छोटे बच्चे हैं सच में ही मर जाएंगे। पूरी रात भर मन में हुआ पो चलता रहा, कल क्या करूं, कहीं ये बच्चे गलत कदम उठा दिया, अभी मेरे पास न धन है न दौलत है, मेरा ये जीवन का श्वास सिर्फ इन बच्चों के नाम से चल रहा है, अगर ये भी चले गए तो बचेगा क्या। दिन शुरू हुआ, वो कौन सा दिन था बताओ, कौन सा दिन था? दूसरे दिन का भोजन शुक्रवार को शुरू हुआ। रुक्मावती शुक्रवार को देखते हुए, वो आज का ही दिन था, आज का ही वो शुक्रवार, कई युगों पहले आया होगा लेकिन वही शुक्रवार आज वापस आया है। देखो हम आज शुक्रवार को ही ये कहानी सुन रहे हैं, कितने भाग्यशाली। आया शुक्रवार, बच्चों जिद्दी कर रहे हैं, मां या तो हमारे साथ चल या तो हम जाके कुएं में कूद के मरेंगे, तू हमको पकड़ नहीं पाएगी, हमारी लाश देख पाएगी, हम धमकी नहीं दे रहे, हम इस जिंदगी से निराश हो गए, कब तक ये पटोलिया पिएंगे, दो दिन अच्छा भोजन मिल रहा है उसमें भी तू मना करती है, मामा डांटे तो क्या, हम गुपचुप खा के आ जाएंगे ये कोने में बैठ के। देखो भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है इस संसार में, आप देखते हो जगह जगह चोरी चकारी होती है, दुकानों से माल गायब होते हैं, आपको लगे बड़ा चोर है लुच्चा है, अच्छे से उसकी कहानी सुनोगे तो मालूम पड़ेगा वो चोर भी नहीं है न लुच्चा भी नहीं है, पेट का भूखा है जो हाथ से काम कर दिया, पेट का भूखा है जो मजबूर हो गया कोई चीज उठाने के लिए। भूख ऐसे आदमी को तकलीफ देता है भाई, भूख ऐसे आदमी को गलत काम करने प्रेरित कर देता है। भूखा प्यासा व्यक्ति भारत को बहुत बड़ा दुनिया का आधुनिक सर्वोत्तम देश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाओ कोई मना भी नहीं है, लेकिन भारत के हर व्यक्ति को रोटी मिले पानी मिले इतनी व्यवस्था, यहाँ के जो शासक हैं वो लोग इतनी व्यवस्था कर दें तो ये भारत सुखी देश हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी दूने बंगला दूने मैं फलाना दूने ये सब तो देते रहो, पहले इंसान को रोटी पानी की व्यवस्था हो जाए, हर घर में सुखी रोटी मिले वो बहुत जरूरी है। रुक्मावती रोती रोती बच्चों को लेके वापस गई, सोची कि मैं कोने में छिपके बैठ जाऊंगी, बच्चों को जो खाना खाएं, छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेज सकती, कहीं इधर उधर भटक के गुम हो गए तो कहां ढूंढूंगी, मैं साथ जाऊंगी मैं छुप जाऊंगी, बच्चे खा लेंगे जो खाना है, मैं वापस उनको लेके आ जाऊंगी। बड़े प्रेम से बच्चों को लेकर के जा रही है, दुखी होती हुई रोती रोती, देखो कल जिसने अपमानित किया उसी के घर जाना पड़ रहा है, यही मेरा तकदीर है, मैं क्या करूं, मैं तकदीर की मारी ना तो घर में सुखी हूं ना समाज में सुखी हूं, ना परिवार में कोई खाने पैसा है ना बाजार में नाम है, कहीं की भी नहीं रही ऐसी मेरी जिंदगी, मैं क्या करूं। रोती 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 उधर जाके बैठी, जैसे ही बच्चे खाने लगे, आज दूसरे दिन में वापस पहरा देने पहुंच गया ऋषभ दत्त, राम राम करते आ रहा है। कैसे राम राम करता है बताइए, इतना तो आपने जान लिया है, कैसे राम राम कर रहा है? इतने में नजर किस पर पड़ गया? बहन पर। बहुत गुस्सा आया है, होना करके आती है ये, जबरन आती है, जरूर ये आके हमारा बदनाम करना चाहती है, इसलिए आती है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। सीधा गया
बदतमीज, रोज बिन बोले आती है, कल मैंने इतना डांटा तुझे, शर्म नहीं आता, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका बाल पकड़ा, सब लोग देखते रह गए कि किसी स्त्री को पकड़ के मार रहा है ऋषभ दत्त नगर से, लेकिन वो बेरहम होकर के उसको पकड़ के खींचा और खींच के ऐसे धक्का मारा कि धक्का मारते ही सीधी वो जाके बाहर दहलीज पर गिरी। पीठ दहलीज पर पड़ने से रीढ़ की हड्डी टूट गई और कराती हुई वहीं गिर गई। बच्चे तीनों रोते रोते माँ माँ करते घबराते पास आके खड़े हुए और ये ऐसी पड़ी जोरदार के सरकना मुश्किल हो गया, उठना मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया और गरीब को कौन हाथ लगाए महाराज, कौन लगाए गरीब को हाथ, सब दूर से ही मुंह देख रहे, नजदीक आके कोई सहयोग करने भी तैयार नहीं है। वो बिचारी दुखी होकर के वहीं करा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, फिर सोची यहां से कैसे ही जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं। धीरे धीरे रेंगती हुई सीढ़ियां उतरी और नीचे सांप की तरह रेंगती जा रही है। बच्चों को कह रही है, अरे बच्चों सुबह तुमने मरना मरना कहा, तुम्हारे साथ ही मैं मर जाती तो आज ये दुर्भाग्य खत्म हो जाता हमारा। तुम्हारी बातें सुन के मैं यहाँ आ गई, बड़ी गलती की, अब मैं खुद कुएं में गिर के मर जाऊंगी, मैं जिंदी नहीं रहूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी अब। ए बच्चों, जिस कुएं में तुम मरने की बात करते थे उस कुएं में मैं अब गिर के मरूंगी, रेंगती रेंगती कुएं की तरफ जा रही है। जैसे ही ये जा रही है उस समय कृष्णगिरी में पद्मावती के मंदिर में शुक्रवार व्रत की पूजा करने कुछ बहनें जा रही है। वो बहनें हाथ में थाली, थाली में पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य फल सब लेके मंदिर जा रही है। किनके मंदिर में? पद्मावती। नौकर रख लो पद्मा माता, तुम अपने दरबार में नौकर रख लो पद्मा माता, तुम अपने दरबार में करो सफाई निश दिन माता, मैं तेरे दरबार में करुआ जल से मैं तेरे चरण पका लूंगी, गंगा जल से मैं तेरे चरण पका लूंगी, रोज नया श्रृंगार करके तुझे रिझाऊंगी, आंगिया सजाऊंगी चोला सिलवाऊंगी, सुनहरी गोटे की चूनर लाके तुझे पहनाऊंगी। नौकर रख लो कृष्णगिरी वाली, तुम अपने दरबार में नौकर रख लो कृष्णगिरी वाली, तुम अपने दरबार में। सभी बहनें हाथ में थाली लेके जा रही है, देख रही है कि कोई बहन जाके कुएं में गिर रही है। अरे 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 मालिनी शीला, देखो मालती कोई पड़ रही है कुएं में जा रही है बच्चों को लेके, कौन है बचाओ इसको, बचाओ इसको। जैसे ही गिरने वाली थी हाथ पकड़ के बाहर खींचा, रेंगती हुई गई हुई को पढ़ना ही था और इन्होंने पीछे खींचा, जोर जोर से रोने लगी, मुझे मत बचाओ, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे जिंदे नहीं रहना, नहीं रहना। अरे क्यों मरना चाहती है, आत्महत्या करना महापाप है, इससे फायदा क्या होगा, क्या दुख है तुझे? अरे क्या दुख नहीं है ये पूछो, मेरा पति कई वर्ष हुआ विदेश कमाने जाऊंगा बोल के गया, आज तक आया नहीं, मेरा सग्गा भाई ऋषभ दत्त नगर से, नगर सेठ ऋषभ दत्त की बहन, तू मरने आई? अरे मेरा पति गरीब हो गया, अब कौन भाई ने कौन संसार, उसने ही आज धक्का मार के बाहर निकाला, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अब जिंदी रह के क्या करूंगी, मुझे मरना है। अरे मरने की बात करने वाली इतनी दुख है बोलती है, इसी कृष्णगिरी में रहती है, कभी कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ के चरण में गई है, पद्मावती
कौन है वो पद्मावती? अरे दुर्गा सप्त सती में दुर्गा का रूप माँ पद्मावती छठे अध्याय में पूजी जाती है, साक्षात महालक्ष्मी है। उसके चरण में गए हुओं को कभी दुख कैसे आ सकता है? मैं तो कभी नहीं गई, मैं कहाँ जाऊं गरीब, मैं तो कहीं नहीं गई। अरे ऐसी बोलती है, पद्मावती का नाम वही सुन सकते हैं जिनके कान में पुण्य का बात सुनना लिखा हो। पद्मावती का दर्शन वही कर सकते हैं जिनके आंखों में अच्छी चीज देखना लिखा हो। पद्मावती के शरण में पूजा भक्ति वही कर सकते हैं जिनके आगे भाग्य खुलना लिखा हो। पद्मावती का फोटो उस काउंटर से वही खरीद सकते हैं आगे जिनके भविष्य में सुख ही सुख लिखा हो। माँ उसके पास तू नहीं गई? अरे मैं तो कभी नहीं गई। जा एक बार सिर रगड़ के देख, आज ही तेरा तकदीर खुल जाएगा। देख ये शीला, इसका पति दारू पी पी के सदा इसको मारता था। सावन में 5 शुक्रवार का व्रत किया, 6ठे शुक्रवार को दारू पीना तो छोड़ दिया, आज इसको रानी की तरह रखता है। देखिए मालती, इसका पति सट्टा खेल खेल के पागल की तरह पैसा उड़ा के कंगाल हो गया था। श्रद्धा से इसने नवरात्रि के 9 दिन पद्मावती के व्रत किए, 10वें दिन की बारी भी नहीं आई और उसने सट्टा खेलना छोड़ दिया, अच्छे धंधे में लग गया, आज राजा की तरह जीता। ये देख, ये सुशीला, बच्चे नहीं थे, 15-15 वर्ष हो गए शादी के। हर व्यक्ति ताना मारता था, हर औरत ताना मारती थी, ये बांझड़ी है, इसका मुंह मत देखो। पद्मावती का व्रत किया, 10वें महीने ऐसे सुंदर बच्चा हुआ, आज उस बच्चे को राजकुमार की तरह हर गली का व्यक्ति उठा के खेलता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है, पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। शुभ मन से जो ध्यान करे वो खुशियाँ पाता है, शुभ मन से जो ध्यान करे वो खुशियाँ पाता है। भक्ति से जो सेवा करे वो सब कुछ पाता है, पद्मावती माता तो हर जग की माता है, पद्मावती माता तो हर जग की माता है। अब विलंब मत कर, हमारे मुख से पद्मावती का नाम सुन रही है, ध्यान रखना रुक्मावती। कभी जीवन में एक बार भी किसी को कथा में या कहीं पुस्तक में पद्मावती शब्द भी सुनने मिल गया तो समझना कि उसके नवों ग्रह अच्छी दशा में है, तब सुनने मिलता है, वरना उसको सुनने नहीं मिलेगा ये नाम। रुक्मावती, हम सभी पद्मावती की भक्तने पक्की कहती हैं कि दुनिया के 33 करोड़ देवताओं को एक पलड़े में रखो और पद्मावती को एक पलड़े में रखो, पद्मावती का पलड़ा भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी रहेगा। जय जय गुरुदेव। जा रुक्मावती जा, कृष्णगिरी में जीवन बिता दिया, ससुराल यही है, जिंदगी बिता दी, पूरा उम्र बिता दिया, 3-3 बच्चों की माँ हो गई और आज तक कृष्णगिरी में पद्मावती के मंदिर नहीं गई। तमिलनाडु दक्षिण भारत में चेन्नई के एयरपोर्ट में जाके देख रुक्मावती, एयरपोर्ट में घुसते ही पहला चित्र कृष्णगिरी के पद्मावती का लगा हुआ है। इतनी प्रसिद्ध पद्मावती की महिमा को तूने नहीं समझा। जा मंदिर जा। रुक्मावती सोचती है कि मरना ही है तो ये बोल रही है, ये बच्चे भी हैं तो एक बार पद्मावती के चरण में सिर फोड़ के ही मर जाऊं, मरना ही है तो अच्छी जगह मरूं। बहनों कितनी दूर है ये मंदिर? कितनी दूर?
पीठाधीश वसंत विजय जहां 421 फुट का मंदिर बना रहे हैं, देख वो गगनचुंबी मंदिर यहां से दिख रहा है, दिख रहा है। जा वो पद्मावती के मंदिर में, मंदिर में तेरा उद्धार हो जाएगा। कैसे जाऊंगी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, यहां तक रेंगती आई, अब कैसे जाऊंगी। अरे मरने के लिए यहां तक आ गई कुएं तक, तो जीने के लिए मंदिर तक तो जाके देख, तेरा कल्याण कैसे नहीं हो जाएगा। रेंगती रेंगती माँ पद्मावती के मंदिर तक जाती है। जैसे ही सीढ़ी में रेंगती रेंगती चढ़ती है, तीनों बच्चे रोते रोते माँ माँ माँ, घबराए हुए अपनी माँ की रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हम बन गए, हमने खाने का अगर इतना जिद्दी नहीं किया होता आज हमारी माँ बा नहीं जाती, उसका हड्डी नहीं टूटता, आज हमारी माँ कितनी दुखी है। तीनों बच्चे रोते रोते मंदिर में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सामने देखे काशी में जन्मे हुए अश्वसेन राजा के पुत्र विशाल काया वाले सिद्ध योगी महापुरुष पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा को देख करके प्रणाम करती है। ऐसे दिव्य विशाल रूप को मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार। पास में देखें, दुख मिटाने वाली माँ, सुख देने वाली माँ, मेरे अंतर में बसो मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, देवी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, ओ देवी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं। सामने जाके खड़ी होती है भगवती पद्मावती को देखती है, सोचती है कि ये कौन देवी है, मैं तो नहीं जानती, इसकी पूजा कैसे होती है मैं तो नहीं जानती, इसकी स्तुति कैसे की जाती है मैं तो नहीं जानती, और मुझे जान के करना क्या है, मुझे तो मरना है, मैं यही मर जाऊंगी। कृष्णगिरी के पद्मावती के सीढ़ी पर सिर फोड़ के रोने लगी, सिर फोड़ी के यही मर जाऊं। जैसे जैसे सिर को सीढ़ी पर पटकने लगी, देवी पद्मावती के प्रतिमा से भगवती की दिव्य तरंगे जगने लगी, माँ एकदम जागृत होने लगी। क्षण में माँ ने देखा कि मेरे चरण में एक दुखी भक्त आके रो रही है, एक क्षण में देवी पद्मावती रुक्मावती के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। रुक्मावती, मरने तुझे और कोई जगह नहीं मिला जो मेरे दरबार में आके मरने लगी, ध्यान रखना ये दरबार किसी के मरने की दरबार नहीं है, मरे हुओं को जीवन देने वाला दरबार है मेरा। इस दरबार में जो भी आया वो सदा जीवन का सब सुख पाके गया, मेरा नाम पद्मावती है, मुर्दे में भी जान फूंकने वाली कृष्णगिरी वाली पद्मावती, पद्मावती सबका उद्धार करने वाली हूँ मैं, मेरे चरण में कोई नहीं मर सकता। जा आज तुझे वरदान देती हूँ, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि जो पूजा करते हैं उनको तो पद्मावती आशीर्वाद देती है, जो जिंदगी में कभी दर्शन नहीं किए उनको भी पद्मावती आशीर्वाद देती है, जिन्होंने जिंदगी में कभी नाम नहीं लिया उनको भी ये पद्मावती आशीर्वाद देती है। भक्ति करने से आशीर्वाद देने वाले 33 करोड़ देवताओं में बिन भक्ति किए आशीर्वाद देने वाली पद्मावती की महिमा को दुनिया जानती। आज से तू 70,000 कमरे की मालकिन बनेगी घर की, तेरे घर में 70,000 कमरे होंगे, जो झोपड़ा है वहां अब तू जाएगी तो विशाल भवन बना होगा,
70,000 सोने के रथ और 7,00,000 दिसेविकाएं तेरी सेवा करेगी और तू रानी की तरह यहाँ राज रानी बन के अपने भाई का घमंड चूर चूर करेगी और इस जन्म में अपने जीवन को सफल करके अगले जन्म में मेरे लोक में आके मेरी सेवा करेगी। सेवा करेगी। रुक्मावती ने देखा बादल जैसी बाल वाली, मछलियों जैसी चंचल आंखें वाली, राम के हाथ की शारंग पाणि नाम की धनुष जैसे बोहों वाली, विशाल कर्ण में लोलायमान कुंडल जैसे मंदिरों में घंटी बजते समय टन 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 करते हो ऐसे लोलायमान कुंडल वाली, नागराज द्वारा पहनाए हुए मंगल सूत्र को गले में धारण करने वाली, खेले के सांतल जैसे पैरों वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, पर्वत जैसे स्तनों वाली, अपने आंख में 18 प्रकार के औषधियों से बने अंजन लगाने वाली, अगर तगर चंदन गोरोचन कुंकुम आदि से बने अष्टगंध की तिलक करने वाली, सिर पर हीरा पन्ना मानक मोती नीलम पुकराज आदि रत्नों से बने मुकुट धारण करने वाली, अपने एक मुस्कान से भक्तों को निहाल करने वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का नाश करने वाली, अपने कोमल हृदय से हर दुखी का दुख मिटाने वाली, दो चारों हाथों में बाजूबंद धारण करने वाली, कमर में कमरपट धारण करने वाली, पैरों में सोने का पायल पहन के अपने पायल के घुंघरुओं के छनछनाट से भक्तों के 7 जन्म के दारिद्रत्व को नष्ट करने वाली, अपने दिव्य स्वरूप से रंभा मेनका ऊर्वशी तिलोत्तमा आदि समस्त अप्सराओं को ग्लानी उत्पन्न कराने वाली, अपने दिव्य वीरता के सामने अर्जुन और वीर परंपरा के जितने वीर हुए सबको ग्लानी आए ऐसे वीरता की परम चिन्हता धारण करने वाली, महालक्ष्मी को समृद्धि प्रदान करने वाली, सरस्वती को ज्ञान प्रदान करने वाली, अश्विनी कुमारों को औषधियां प्रदान करने वाली, नवग्रहों को ग्रह संचार करने की ताकत देने वाली, साक्षात कल्याण करने वाली, हाथों में दिव्य चूड़ियां धारण करने वाली, हर उंगलियों में विभिन्न रत्नों की अंगूठियां धारण करने वाली, गले में विभिन्न रत्नों की गहना धारण करने वाली, कोटि सूर्य के समान प्रकाश देने वाली, कोटि चंद्र की समान शीतलता वाली, अपने गुलाबी होठों से पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने वाली, मोतियों के जैसे दंत पंक्ति वाली, मोती की नतनी पहन के अपने सुंदर नासिका को सजाने वाली, अपने दिव्य कांति से 3 लोकों के लोगों का मंगल करने वाली, अपने एक कदम रख के आगे बढ़ने से 1,000 लोकों में सदा मंगल करने वाली महामाता पद्मावती देवी का दर्शन करके रुक्मावती धन्य धन्य हो गई और रुक्मावती को आशीर्वाद मिला। परम सौभाग्यशालिनी रुक्मावती का ये रूप देख करके, पद्मावती का रूप देख के रुक्मावती अपना रूप देखती है, अचानक रुक्मावती का फटा कपड़ा गायब, फटी चीजें गायब, शरीर में अचानक जरी के वस्त्र आ गए, गहने आ गए, बच्चे देखो तो गंदे नंगे बच्चे अब अच्छे जुब्बे कुर्ते पहने हुए हैं और गले में गहने शरीर में गहने आए हुए हैं, छोटे बच्चे इतने सुंदर हो गए अपने आप। पद्मावती हंस के कहती है जा अब अपने घर जा और जाके अपने भाई का घमंड चूर करना, पैसा सिर्फ पैसे वालों के अधिकार में नहीं है, इस पद्मावती की जो भक्ति करते हैं वो रंक भी राजा बन जाता है, ये पद्मावती का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है सदा तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ होगा, जाओ होगा, जाओ। मैया देने वाली है हम लेने वाले, मैया देने वाली है हम लेने वाले, आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। मांग
मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, आज अच्छा मौका है किसने तुम्हें रोका है, आज अच्छा मौका है किसने तुम्हें रोका है, बिल्कुल बिना शर्माना चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, भक्त लेने वाले दाता रे आपको, भक्त लेने वाले दाता रे, पल में बदल देते ये किस्मत की देखे, पल में बदल देते ये किस्मत की देखे, भक्त थोड़े जाता है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े जाता है देने वाली इरादा है, भक्त तो ज्यादा है ही, यहाँ जगह है नहीं, भरा हुआ है सभा, तो आपको किसको लेना है, तो क्या करना, इतने भक्त हैं, लाखों भक्त लेने वाले दातार एक है, पल में बदल देती है किस्मत की रेख है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, सबसे पहले हाथ उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, भैया देने वाली है हम लेने वाले, भैया देने वाले हैं हम लेने वाले, हाथ खाली हाथ नहीं जाना, चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। आए तो झोली पसार ले, हाथ में ना आए तो झोली पसार ले, खूब लेके जाना अब माँ के दरबार से, खूब लेके जाना अब माँ के दरबार से, झोली भर जाए तो काम बन जाए तो, झोली भर जाए तो काम बन जाए तो, झोली झोली तो माँ भरेगी, मेरी ताकत नहीं, लेकिन झोली भर जाए तो काम बन जाए तो, बसंत विजय का गुण गाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रुक्मावती माँ को प्रणाम कर दिए, माँ धन्य है, मैंने तो बहुत देवता देखे हैं लेकिन आपको पहली बार देखा, पत्थर ने पानी करे शाही, करे सपे सपे, रंक ने राजा करे मैया पद्मावती, तो भाव रखे नहीं भे। माँ को कोटि कोटि प्रणाम करके कहती है, माँ आज जान गई कि तेरी शक्ति कैसी है, मैं इसी मूर्ख में रुक्मावती कृष्णगिरी में रहती थी, कभी बुद्धि नहीं आए कि तेरे चरण में आऊं, अब मुझे समझ पड़ा माँ, कोई व्यक्ति कथा में जाता है, कोई व्यक्ति भजन में जाता है, कोई मंदिर जाता है तो जरूर उसके पुण्य बदलने के समय आता है, तभी जाता है, उसके पहले वो जा नहीं पाता, जय गुरुदेव, उसके पहले वो पांच नहीं पाता, वो घर में ही सो बहाने बनाते रह जाता है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, जा नहीं पाऊंगा, काम बहुत है, तेरे भजन से बड़ा काम क्या है माँ इस संसार में, अब मैं समझ पाया कि तेरा चरण सबसे न्यारा है, न्यारा है, न्यारा। वंदन करती हुई रुक्मावती घर की तरफ जाती है, जहां झोपड़ा था वहां बहुत बड़ा सोने का महल 70,000 कमरों वाला खड़ा है, खड़ा हाला खड़ा, पद्मावती देवी द्वारा भेजी हुई नाग लोक की 7,00,000 देवियां सेवा में खड़ी है, मालकिन मालकिन करके बुला रही है, कल तक जिसके कोई पूछने वाले नहीं थे
आज दोपहर में तो कुएं में गिर के मरने वाली थी। जब क्षण बदलना, भाग्य बदलना हो ना, आप सबको एक बार कह देता हूँ, अपना तकदीर बदल के देखना हो तो एक बार कृष्णगिरी आके देख लो। ऐसे बदलेगा तकदीर के जिंदगी भर याद करोगे। कोई संत आके कृष्णगिरी ले गए, भाग्य खुल गए हमारे। और पद्मावती देवी जगत जननी माँ, उसकी कृपा से। मैंने कल बताया देवी का नंबर क्या है, बोलो कितना नंबर है देवी का। कोई भी देवी की सेवा करो, पांच की संख्या में प्रदक्षिणा करो, पांच की संख्या में चीजें चढ़ाओ, पूजा करो। रुक्मावती देखती है मेरी माँ पद्मावती पांच वाली है, तो तुरंत 55,555 नंबर के कमरे में जाती है। देखे तो कमरे में घुस नहीं पा रही है। क्यों घुस नहीं पा रही है? कमरा हीरे पन्ने से भरा, हर कमरा भरा है, हर कमरा हीरे पन्ने से भरा, अंदर नहीं जा सकते। अपनी सेविकाओं को आदेश देती है, अरे इन सबको बाहर फेंको, मेरे अंदर जाना, कमरे में जगह नहीं, मैं कैसे जाऊंगी। तुरंत सेविकाएं हीरा पन्ना बाहर फेंकने लगी गली में। बड़े बड़े सेठ बाहर आके लपकने लगे कि अरे हीरा पन्ना फेंक रहे हैं, हम ले लें, हम ले लें, हम ले लें। एक जमाने की भिकारिन जैसे जो जीवन जी रही थी, पद्मावती की कृपा से बड़े बड़े सेठ आज उसके घर के सामने भिकारी की तरह हीरा पन्ना लपेट रहे हैं। अंदर सोने के पलंग में सोई, और इधर समाचार पहुंच गया। किसको किसको पहुंच गया? ऋषभ दत्त की पत्नी कहती है कि सुना तुम्हारी बहन बहुत बड़ी पैसे वाली हो गई है, कल शनिवार के भोजन में वो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि बन के आएगी तो ही हमारा इज्जत रहेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बहन तो बहुत पैसे वाली है और भाई के घर नहीं आ रही है। जाओ कैसे भी मना के उसको ले आओ अपने। भाई बोला वो कहां से आएगी, आज तो धक्का मारा, रीढ़ की हड्डी टूटी। हमने सुना कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती के मंदिर गई, वहां मां का चमत्कार हुआ, इसका शरीर भी ठीक हो गया ना, बहुत पैसा हो गया। सुना के 70,000 कमरे भर के हीरे आ गए उसके घर में। हे मां कैसे जाऊं, अपमानित करेगी। अरे मैं जानती हूं तुम्हारी बहन के बारे में, मैं स्त्रियों के बारे में जानती हूं, वो तुम्हारे राखी के नाम से कच्चे धागे से बन के आएगी, तुम जाओ उधर। भाई गया, ऋषभ दत्त पांच रथ भर के सामान ले जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सेठानी रुक्मावती को मिलना खाली हाथ जाए तो अच्छा लगे, पांच रथ भर के सामान ले जाता। नीचे जाए तो घर के बाहर पहरा दे रही है नाग देवियां, कौन हो? मैं ऋषभ दत्त हूं, रुक्मावती का भाई। अरे जब से मालिकिन बड़ी बनी है, हर आदमी आके बोलता मैं बहन, मेरी बहन है ना, मैं भाई हूं, हर भिकारी मेरी मालकिन का भाई बनने आता, चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से। अरे मैं सच में उसका भाई हूं, तुम मेरा नाम तो लो, यही खड़ो, अंदर आना मत, हिम्मत मत करना। मालकिन कोई आया है भिकारी, बोलता है तुम्हारा भाई है, ऋषभ दत्त नाम लेता है, उसको अंदर छोड़े? अरे मेरा भाई है, उसको आदर सहित अंदर छोड़ो। ऊपर ले आए 55,555 रूम नंबर। अंदर घुसे तो देखे कि चार काम वालियां तो पानी पिला रही है, तीन नौकरानियां गला सहला रही है ताकि पानी आराम से उतरे, दो जन हाथ पकड़ी हुई है ताकि पानी पीते समय शरीर ना हिले। सेवा देख के दंग रह गया, बाहर खड़ी है 7,00,000 सेविकाएं, ये देखता रह गया मेरा घर का एक पूरा घर इसके घर के एक कमरे में घुस जाएगा, इसके घर के एक के कमरे 500 फुट बाय 1,000 फुट एक कमरा, वैसे 70,000 कमरे हैं। ऋषभ दत्त कहता है बहन तू मुझे भूल तो नहीं गई ना, मैं तेरा भाई ऋषभ दत्त। वो बोलती है मन में, बाहर नहीं बोलती है, मन में बोलती है तू आज क्या क्या किया वो भी मैं नहीं भूली हूं, माँ ने मुझे आदेश दिया तेरा घमंड चूर चूर करना, तू बराबर मेरे घर पहुंच गया, चल आ तू देख लेती हूँ। बाहर से बोलती है भैया आपको कैसे भूलूंगी, क्या समाचार है बोलिए। कल शनिवार तीसरे दिन के भोजन में तुम मुख्य अतिथि बन के मेरे घर आओगी बहना,
तो घर की शोभा बढ़ेगी। तो वैसे भी मेरी बहन है कई दिनों से राखी बांधने आई नहीं, मैं ही सोच रहा था कि तुझसे राखी बंधलाऊं, इसलिए दौड़ा आया मैं तेरे पास, तू मेरे घर आ जा। जरूर आऊंगी भैया, आप जाइए, अभी आपके घर में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत व्यस्त रहेंगे, आप निकलिए, मैं जरूर कल आऊंगी। सच में आएगी ना बहना, तू आएगी तो मेरा इज्जत बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। रुक्मावती मन में सोचती है तो मेरा सम्मान कितना घटाया वो भी मुझे याद है, मैं आऊंगी तेरे घर, तू चिंता मत कर। सेविकाओं सेविकाओं, मेरे भाई के घर में कार्यक्रम चल रहा है ना, मेरा भाई मुझे बुलाने आया है। मेरे भाई ने 5 रथ भर के सामान लाए मेरे लिए, उसको प्रेम से अंदर लाके रखो और 5000 रथ भर के मेरे भाई के लिए मेरी तरफ से सम्मान भेजो, सम्मान भेजो। शनिवार का दिन होगा, शनिवार को सुबह रुक्मावती हीरे पन्ने जड़े हुए चुनरी लाल चुनरी पहन के शरीर में गहने लद के ऐसे निकली, लोग आकाश में सूर्य को देखते हैं, इसको देखते हैं और कहते हैं कि भैया आज रुक्मावती के श्रृंगार के सामने सूर्य फीका पड़ गया, पड़ गया, फीका पड़ गया। ऐसे श्रृंगार करके शानदार रूप धर के सामने निकल के रथ में बैठ रही है, आगे 3.5 लाख रथ, पीछे 3.5 लाख रथ सजे हैं, बीच के रथ में जा रही है, 7 लाख रथों का लाइन एक देश से दूसरे देश की सीमा तक खड़ी हुई है रुक्मावती। निकल करके ऋषभ दत्त के घर में पहुंचती है, भाभी हाजर खड़ी है, ननंद आने वाली है, ननंद भाई आ गए, ननंद भाई आ गए, मेरे ननंद भाई। अंदर हाथ पकड़ के ले गए, सोने के पाटे पर बैठाया, क्योंकि इतनी बड़ी ननंद आई है, सोने का पाटा और आगे भी सोने का पाट बिछाया, सोने की थाली बिछाई, क्या बिछाया, कटोरियां रखी। एक सेवकों आओ रे जल्दी, आओ रे जल्दी, केसरिया बर्फी कला केंद्र बड़ी पेटा इमरती बाल चाहे लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा के बन नारा नारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साब सामरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा का तड़को पीवो मार सबको आम अमरूद अंगूर अनानास पनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर गिरा बादाम पिस्ता ने नौजा गुरमानी लबा लब भरा थाली। अब रुक्मावती ने चूड़ियां खोली, चूड़ियां खोल के मालपुए पर रख दिया, अंगूठी खोली खीर में डाल दिया, गहने खोले रोटी पर रख दिया, बाजू बंद खोला गुलाब जामुन की कटोरी में डाल दिया। अब ऋषभ तो सोचे इसको गर्मी लगती होगी, पैसे वाली है, नाटक बहुत होगा, बहन गर्मी लग रही है तो गहना खोल के इधर बाहर रख दे, भोजन में डाल के गहना गंदा क्यों कर रही है। फट करके खड़ी हो गई रुक्मावती उसी समय, गर्मी जिसने 15 साल जीवन के झोपड़े में बिताए हो भैया, उसको क्या गर्मी आज लगेगी, तेरी गर्मी उतारने आज मैं आई हूं, भगवती पद्मावती ने मुझे भेजा। अगर मुझे बुलाना होता तो परसों ही बुला लेता मुझे, कम से कम कल तो बुला लेता, आज बुलाया है तो तूने मुझे नहीं मेरे धन को बुलाया है, इसलिए मेरा धन खाएगा तेरी रोटी, मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने गहने खोल के इन भोजन पर रखा है, रखा है। तू पापी है जो धन के लोभ में बहन का अपमान किया। पद्मावती मेरे सामने प्रकट होके बोली कि इसका अहंकार को चूर चूर करना, पैसा सिर्फ धनवानों के अधिकार में नहीं है, कृष्णगिरी वाली पद्मावती को जो दिल से मानते हैं वो हर आदमी धन का अधिकारी होता है, होता है। गलती हो गई बेना, गलती हो गई, माफ करो, माफ करो। तुमको पद्मावती कैसे मिली? अरे मुझे तो ऐसे मिली जैसे सूखे खेत को बादल से बरसात मिलता है। मैंने कभी पद्मावती की पूजा नहीं की थी भैया, कभी दर्शन भी नहीं किया, आज ही पर कल किसी बहनों ने कहा, सिर पर जाके बल डाल के फोड़ने लगी मंदिर के सीढ़ियों में, मां प्रकट हो गई। दुनिया के सभी देवता रात्रि जागरण करने पर
भक्ति करने पर, व्रत करने पर रिझते हैं। पहली बार मैंने देखा भैया ऐसी भी कोई देवी है खाली सिर टेकने पर राजी हो जाती है। मैंने जिंदगी में ऐसी देवी देखी पहली बार। मेरी गलती हो गई बहना, आज से मैं भी शुक्रवार के दिन पद्मावती माँ का व्रत करूंगा। बहना मैंने सुना के मैयर के नवरात्रि में माँ की भक्ति हो रही है, उस स्टाल में माँ की चालीसा का पुस्तक पाठ भी रखा हुआ है, फोटो भी रखा है, मैं भी खरीदूंगा बहना, और जितने कथा में आएंगे उन सबको खरीदने की प्रेरणा भी दूंगा बहना। वो हर व्यक्ति माँ की फोटो खरीदे, घर में रखे, दीप धूप करे, पद्मावती माँ की सेवा करें। बहना मैं ये कहूंगा किन की सेवा? पद्मावती माता की। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया, अगले जन्म मुलाकात रहे मैया, अगले जन्म मुलाकात रहे मैया, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, पर हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया। ये शुक्रवार व्रत कथा है। रुक्मावती को पद्मावती ने कैसी कृपा की, जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन पद्मावती माँ के फोटो का दीप धूप करके हे माँ जैसे रुक्मावती के हर कष्ट को मिटा के सुख दिया, वैसे मुझे भी देना, इतना एक शब्द कहने से रुक्मावती के ऊपर जैसे माँ प्रसन्न हुई, हम पर भी प्रसन्न होके कृपा करती है पद्मावती माँ।